नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। यूक्रेन का मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला, 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक किया गया। मॉस्को के अहम ठिकानों को किया गया टारगेट। ड्रोन अटैक के बाद पूरे मॉस्को में एयर अलर्ट जारी, सभी एयर डिफेंस सिस्टम को किया गया अलर्ट। मॉस्को के अलावा ब्रियांस में भी हमला, हमले के बाद आग का गोला उठता दिखाई दिया। हमले पर मॉस्को के मेयर का बयान, मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, स्थिति पर लगातार नजर। रूस के रोस्तोव में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, यूक्रेन के हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी आग। पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना, 2 दिन पोलैंड और 3रे दिन यूक्रेन में रुकेंगे पीएम। युद्ध रोकने और बातचीत से समाधान पर हो सकती है चर्चा। हिजबुल्ला का पहली बार इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला, हमले में भारी नुकसान की खबर। पटना में भारत बंद के दौरान पुलिसकर्मियों ने एसडीएम श्रीकांत कुंडलीकर के ऊपर ही चला दी लाठी। लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मी को दूसरे पुलिस वालों ने धक्का देकर हटाया, कहा कि ये एसडीएम साहब। पटना में आरक्षण बचाओ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एससीएसटी कोटे में क्रीमी लेयर को शामिल करने की चर्चा के बीच आज दलित संगठनों का भारत बंद। बिहार के वैशाली, जहानाबाद, सहरसा में सड़क जाम कर दलित संगठनों ने जताया विरोध। राजस्थान के अजमेर में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने निकाली बाइक रैली, एससीएसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल करने की कोशिश का किया विरोध। आरक्षण पर महाराष्ट्र के जालौन में एससीएसटी लोगों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने पर रोकने पर पुलिस से हुई धक्का मुक्की। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स बंगाल के सचिव डॉक्टर उत्तपल बंदोपाध्याय ने टीवी 9 से कहा, प्रिंसिपल संदीप घोष के इशारे पर आरजी कॉलेज में चलता था गुंडाराज, अस्पताल में भ्रष्टाचार और डॉक्टरों की दरिंदगी के लिए भी संदीप घोष जिम्मेदार। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में संजय रॉय अनूप दत्ता को लेकर टीवी 9 पर बड़ा खुलासा, गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय और एएसआई अरूप के करीबी रिश्ते का सबूत। संजय रॉय अरूप दत्ता की एक साथ तस्वीर आई सामने, अनूप दत्ता के बैरक में ही सोता था संजय रॉय। कोलकाता रेप मर्डर केस में एएसआई अरूप दत्ता को दोबारा बुला सकती है सीबीआई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय अरूप के बयानों में विरोधाभास है, कल सीबीआई ने अरूप दत्ता से 8 घंटे पूछताछ की थी। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ जारी, अब तक 5 बार पूछताछ हो चुकी है, एसआईटी जांच भी शुरू हो चुकी है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, सीबीआई ऑफिस के बाहर इंसाफ की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का विवादित बयान, कहा पुलवामा हमले में अभी भी न्याय नहीं मिला है, अगर पुलवामा में जवान हमें न्याय चाहिए कहकर बॉर्डर छोड़कर धरने पर बैठ जाएं तो आप इसे कैसे देखेंगे। सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टरों का प्रदर्शन, डॉक्टरों ने कहा जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता वो काम पर नहीं लौटेंगे। दिल्ली एम्स प्रशासन ने मरीजों के हित में डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन शोषण केस में आरोपी टीचर की पुलिस कस्टडी, 26 अगस्त तक पड़ी, 300 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज, महाराष्ट्र पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। पुणे में एनसीपी शरद पवार गुट ने किया प्रदर्शन। बदलापुर में स्कूली छात्रा के साथ शोषण को लेकर पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन, मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट का प्रदर्शन, महिलाएं हाथों में चूड़ियां और मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में हुई शामिल, महाविकास अघाड़ी का 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान। थाने के कल्याण सेशन कोर्ट के वकीलों की संस्था की घोषणा, बदलापुर में स्कूली छात्रा के यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे की कोर्ट में कोई पैरवी नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 19 साल की युवती से रेप के मामले में मुख्य आरोपी दानिश अली समेत 4 को गिरफ्तार किया गया, सहेली ने बनाया था बंधक, दोस्त ने किया दुष्कर्म, 10 अगस्त की वारदात। मध्य प्रदेश के रतलाम में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से मारी टक्कर,
महू नीमच हाईवे पर हुए हादसे में ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौत हो गई है। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। प्रयागराज में एसपी नेता अमरनाथ मौर्य की दबंगई का वीडियो आया सामने। राइफल लेकर नगर निगम कर्मियों को दौड़ाया। विवेकानंद पार्क में कब्जा हटाने गई थी टीम। एसपी नेता और समर्थकों पर मुकदमा दर्ज।